हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप ठीक हो आप सब। ठीक है, और चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके, और ये कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट दोनों के लिए रीडिंग है। ठीक है, अगर आप दोनों में लेस कम्युनिकेशन है या बिल्कुल बात नहीं हो रही, ये सबके लिए रीडिंग है। ठीक है ना, तो चलिए मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है प्लीज। ओके, दो कार्ड आ चुके हैं, देखिए अपने आप ही कार्ड ओपन हो गए दो। ये दिल और दिमाग के लिए भी देखते हैं। ठीक है, व्यूअर्स प्लीज मेरे को कार्ड दीजिए, मेरे को बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, एक कार्ड और आ चुका, चलिए सॉरी ये दिमाग था, ये दिल का निकाला मैंने, ये दिमाग। ठीक है, सॉरी आप बोलोगे दीवी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती, दी बेचारी क्या करे, है ना, दीवी थक जाती, दी का दिमाग भी थक जाता है। व्यूवर्स प्लीज ओनली वन कार्ड दीजिए, मेरे जो व्यूवर्स है, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर है, उनके जो पार्टनर है, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, एक कार्ड और निकल जाए, एक म्यूचुअल कार्ड निकालते हैं। आप दोनों की फीलिंग मैंने निकालनी, ठीक है, वो मैं लास्ट पे देखूंगी, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स देखते हैं। एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स प्लीज, मेरे को एक कार्ड दीजिए, ओनली वन कार्ड। ओके, देखिए ये कार्ड निकल चुका है, ये आप दोनों की फीलिंग है। ठीक है, ये हम लास्ट पे देखेंगे, सबसे पहले हम आपके पार्टनर का बता रही हूँ मैं कि उनके दिल दिमाग में क्या है, इसको साइड पे कर देते हैं। ठीक है, ये बाद में देखेंगे। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। देखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो ये है कि आपके पार्टनर के जो दिल का देखते हैं, पहले दिमाग का हम बाद में देखेंगे, पहले दिल में। देखिए आपके पार्टनर के दिल में तो सोच आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, अट्रैक्शन भी है, और वो ना एक ना सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, जो मेरे को दिखाई दे रहा है। देखिए ये रीडिंग्स लड़का और लड़की दोनों देख सकते हैं, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा मेरे को ये लग रहा है, आपके पार्टनर को ना आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, हो सकता है उन्होंने आपको कभी बताया है या नहीं बताया, लेकिन उनके दिल में आपके टूवर्ड्स फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि दी चैरियट का कार्ड मेरे को बता रहा है। लेकिन आपके जो पार्टनर ना, वो अपना आपके साथ एक वॉरियर की तरह, मतलब अपने रिलेशनशिप में डटे रहना चाहते हैं, जो मेरे को दिखाई दे रहा है ये। और दूसरा मेरे को ये भी लग रहा है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपके पार्टनर आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपके साथ एक इक्वल नहीं चल रहे थे, या आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, या आपके साथ उन मतलब अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे, तो आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि दी उन्होंने तो कभी मेरे को बताया नहीं, ये नहीं, क्योंकि देखिए कभी कभी पता क्या होता है, दिल में फीलिंग्स बहुत होती है लेकिन इंसान बताता नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग सोच है, किसी को ये है कि अगर हम बता देंगे तो ये मतलब फॉर ग्रांटेड लेंगे। ठीक है, सॉरी गाइस, पीछे गली है तो नॉइज़ बहुत आ रही है डॉग्स की, ठीक है, प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा, आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए। और आप, लेकिन आपके पार्टनर के जो दिल में है ना, दिल में हो सकता है, कभी कभी हम ना अपनी फीलिंग्स का शेयर नहीं करते, मोस्टली लड़कियां शेयर कर देती हैं लेकिन लड़के नहीं शेयर करते। ठीक है, कभी कभी लड़कियां भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताती, क्योंकि उनको ये है कि अगर हम अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो हम मतलब हमको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा, मतलब ऐसी सोच होती। लेकिन दो कार्ड्स ये जो मेरे को बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आप, और दूसरा मेरे को ये भी दिखाई दे रहा कि हो सकता है आप लोगों की कोई एनिवर्सरी आने वाली है, और कुछ जो रीडिंग देख रहे हैं वो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मेरे को मैरिड पर्सन भी लग रहे हैं कुछ। ठीक है, दो तरह के मेरे को पर्सन है, कुछ तो अनमैरिड है, कुछ के जो पर्सन है वो दोनों अलग अलग पार्टनर से मैरिड है, और कुछ के मेरे को दिख रहा है कि कोई एक मैरिड है आप दोनों में से। ठीक है, और कुछ के जो मेरे को लग रहा है वो ये लग रहा है कि मतलब आप दोनों मैरिड नहीं हो लेकिन फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है आप दोनों की। ठीक है, मतलब जो मैंने अलग अलग मेरे को दिखाई दिया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मेरे को दूसरा मेरे को ये लिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर आपको
कुछ ऑफर करेंगे, या आपको कोई गिफ्ट देने की तैयारी है, आपको कोई सरप्राइज देना चाहते हैं, या आप लोगों की जिस दिन आप मिले थे या कुछ ऐसी एनिवर्सरी आने वाली है, मतलब मेरे को ना ऐसा कुछ दिख रहा है इस कार्ड से, ठीक है। लेकिन आप अगर फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि नेगेटिव कार्ड नहीं आए, बहुत अच्छी फीलिंग्स आई है आपके पार्टनर की, और उनके दिल में ना एक क्या बोलूँ, एक ना कुछ करने की ना एक चाह जाग उठी है। अगर हो सकता अब अभी तक उन्होंने कुछ भी मतलब आपके सामने कुछ दिखाया नहीं था अपनी फीलिंग्स, लेकिन इस वक्त ना उनके दिल में एक चाह है कुछ करने की। जैसे हम कोई इंसान मतलब युद्ध पे तैयार हो जाता ना कि नहीं अभी तो मुझे ये जंग जीतनी है, तो ऐसे ही आपके पार्टनर की मेरे को एनर्जी लग रही है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अब मेरे को यार इस रिलेशन में आगे बढ़ना है, ठीक है, ये दिख रहा है मेरे को। चलिए अब देखते हैं दिमाग में। देखिए दिमाग में भी यही है, दिमाग में ये है कि आपके पार्टनर आपको अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपके पार्टनर ने कुछ भी बताया नहीं, मैंने आपको इस कार्ड से भी बता दिया, वही सेम यहाँ पे दिख रहा है मेरे को। आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको दिखाना चाहते हैं आपके सामने। अभी मतलब हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर अब आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उनके दिमाग में यह है कि अगर वो आपके साथ ऐसी बातें शेयर करेंगे तो हो सकता है उनका बोझ हल्का हो जाए। और दूसरा यहाँ पे भी मेरे को एक दो दो तीन एनर्जी अलग अलग दिख रही है। या तो आपके पार्टनर या आप में से कोई लीगल इशू अगर है, किसी का डिवोर्स का कोई चल रहा है तो हो जाएगा वो डिवोर्स अगर किसी और पर्सन के साथ है। और दूसरा आपके दूसरा जो मेरे को दिख रहा है वो ये कि आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि उन्होंने ना आज तक जो भी आपके साथ किया ना वो गलत किया, उनको इस चीज़ का रियलाइज हो चुका है, ठीक है, ये उनको मतलब महसूस हो चुका है, उनको ये फील हो गया इस वक्त कि उनके दिमाग में ये आ रहा कि मैंने इस बंदा या बंदी के साथ जो भी बिहेवियर रखा है, जैसा भी रखा है, या रूड बिहेवियर या नो कम्युनिकेशन या कुछ भी, अब उनको फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया। लेकिन आपको ना दिखाते नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि छोटे पड़ जाएंगे ना, दिखाते नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में जस्टिस का कार्ड आया है, ये मेरे को बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उनको पता है कि मैं गलत हूँ, उनको ये भी पता है कि मैंने इसके साथ गलत किया है, ठीक है, तो लेकिन आपके पार्टनर अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और हो सकता है उनको खुद को कोई ऐसी लीगल इशू आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि मैं इस चीज़ की वजह से मतलब रूट था या कुछ मतलब जो भी उनका बिहेवियर था वो आपके साथ सारी ना वो ना आप एक अगर एक शब्द में बोलूँ ना तो आपके पार्टनर आपके सामने अपना दिल खोल के रखना चाहते हैं कि मैंने ये चीज़ों को सफ़र किया है, ठीक है। जो मेरे को ये कार्ड्स दिखे हैं उनमें ये दिल और ये दिमाग ये मेरे को क्लियर दिख रहा है। तो चलिए अब आपकी म्यूचुअल एनर्जी देखिए। म्यूचुअल एनर्जी में आप दोनों की आप भी अपने रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो और आपके पार्टनर भी बहुत आस लगा के बैठे हुए हैं कि उनको भी इस रिलेशनशिप में वर्क करना है, लेकिन ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिनकी वजह से आपका मतलब जैसे ना एक रिलेशनशिप स्टक हो जाता है। लेकिन आपके पार्टनर का और आपका जो मेरे को म्यूचुअल दिख रहा है, आप दोनों ही इस रिश्ते पे आगे बढ़ना चाहते हो, ये मेरे को साफ साफ क्लियर क्लियर मतलब कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपके पार्टनर का एक्शन देखती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, प्लीज़ मेरे को बताइए कि उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। ओके, एक कार्ड आ चुका है, दी स्टार। होप है, होप बहुत है, आप दोनों के रिश्ते में होप है। आप भी होप लगा के बैठे हुए हो कि हमारा रिश्ता आगे जाके ठीक हो जाएगा, हमारा रिश्ता वर्क करेगा। आप चाहते भी हो और होप भी है आपको। कई लोगों ने होप छोड़ दी है, लेकिन कई लोगों की होप अभी भी है। अगर आप ब्लॉक हो तो आपको ये होप है कई लोगों को कि हमारा रिश्ता जरूर ठीक होगा, यूनिवर्स गॉड जरूर मेरे पार्टनर को मेरी लाइफ में वापस लाएंगे, ठीक है। होप है आपके रिश्ते में, ठीक है ना, ये मेरे को क्लियर दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या इनके पार्टनर इनकी तरफ कुछ एक्शन लेंगे, क्या मेरे यूनिवर्स के पार्टनर उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। यूनिवर्स प्लीज मेरे को बताइए एक्शन का। ओके, देखिए आप भी सब्र करके बैठे हो, अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो और आपके पार्टनर भी सब्र करके बैठे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अब आप मतलब उनको ये लग रहा है कि जितना मैंने सब्र करना था कर लिया, अब मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और आप भी अपने पार्टनर की वेट कर रहे हो, आप भी अपने मन में सोच रहे हो कि कभी कभी तो आपको गुस्सा आता है कि यार मैं कितना सब्र करूं, कितनी स्ट्रेंथ बना के रखूं, ठीक है, ये मेरे को दिख रहा है। चलिए एक कार्ड मैं और निकालती हूँ।
यूनिवर्स प्लीज बताइए, एक्शन के लिए बताइए। एक कार्ड दीजिए। ओके देखिए आ गया पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर आपको ग्रोथ देना चाहते हैं, अपने रिश्ते में, अपने प्यार में, अपनी हर चीज में एक ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो फाइनेंशियली पूरे स्ट्रांग है, ठीक है, या तो स्ट्रांग है। जिनके पार्टनर ऐसे नहीं है वे उनके पार्टनर बनना चाहते हैं, ऐसा वो स्ट्रांग फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं। हो सकता है उनका वर्क हो जिनकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं रहे, उनका करियर हो, ठीक है। मेरे को मतलब ये दिख रहा है। चलिए आप अपने मन में कोई भी एक सवाल सोचिए तो हम देखेंगे कि उनका आंसर क्या आता है, यस के नो, ठीक है। मैं दो पायल निकालूंगी तो आप कोई भी एक सवाल सोच लीजिए अपने मन में, रीडिंग के बिना कुछ भी, जो आप जिस चीज का आपको यहाँ पे जवाब मिल चुका है उसके बिना आप कोई भी एक सवाल सोचिए, फिर देखते हैं कि क्या सवाल का आंसर आता है, यस या नो। मैं ओनली टू कार्ड्स निकालूंगी, आप अपने माइंड में मन में सोच लीजिए और एक पायल आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप चाहो तो दो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो आप एक पायल सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के मन में जो सवाल है उनका आंसर क्या है। प्लीज यूनिवर्स प्लीज मेरे को दो कार्ड दीजिए, ठीक है। अगर कार्ड ओपन होके आया तो फिर मैं नहीं लूंगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका जो सवाल है उसका आंसर क्या है। यूनिवर्स प्लीज मेरे को दो कार्ड दीजिए। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स दो कार्ड दीजिए प्लीज। चलिए मैं ये डेक लेती हूँ, हो सकता है यूनिवर्स इसमें से कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई बात। ओके एक कार्ड आ चुका, ठीक है। चलिए एक कार्ड हमको और चाहिए, आप कोई भी अपने मन में एक सवाल सोच लीजिए फिर देखते हैं। ओके दूसरा कार्ड भी आ चुका है। चलिए आप, मैंने दो पायल रखी, पायल नंबर वन पायल नंबर टू, आप कोई भी अपना एक पायल सेलेक्ट कर लीजिए फिर मैं कार्ड ओपन करती हूँ। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। मैं पायल वन से स्टार्ट करती हूँ, मैंने सिर्फ यस और नो बताना है। ओके आपका आंसर है यस, जिन्होंने पायल नंबर वन चूज किया है आपका आंसर यस है। और अरे मैंने देखिए, अच्छा सॉरी ये तो नीचे लगा। देखिए जिन्होंने कार्ड नंबर पायल नंबर टू चूज किया है उनका आंसर है नो, अभी फिलहाल के लिए तो नो है, ठीक है। जिन्होंने पायल नंबर वन कोई भी सवाल सोचा था उनका आंसर है यस, जिन्होंने कार्ड नंबर टू चूज किया था उनका आंसर है नो, अभी के लिए नो है, ठीक है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल नैना स्टार वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक्स कमेंट और शेयर कीजिए, और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनर्जी कितनी रेजोनेट हुई, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, लव यू ऑल।